मंत्रिमंडल विस्तार में दलित और पिछड़े समुदाय के नेताओं को अच्छी खासी जगह दी। ऐसा माना जा रहा था कि इससे पार्टी को इन वर्गों का साथ मिलेगा, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह पिछड़े वर्ग के 3 मंत्रियों ने और कई विधायकों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उससे पार्टी को चुनाव से ठीक रहेगी जबरदस्त झटका। दूसरी ओर बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड और इसी के तहत योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि इससे वह नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने से नुकसान घर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के मतों का बड़ा हिस्सा बसपा के खाते में जाता रहा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस सपा भी इस वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर लाने की कोशिशों में जुटी रही है। देखना होगा कि ऐसे वक्त जब नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारण बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो क्या योगी आदित्यनाथ के दलित परिवार के यहाँ भोजन करने से उनकी मुश्किलें कम होंगी। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की राजनीति कल और जिस गोरक्षपीठ के योगी आदित्यनाथ महंत है वह भी गोरखपुर में ही स्थित है। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहले दलित परिवार के घरों में भोजन करते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दलितों पिछड़ों की उपेक्षा के आरोपों के बीच योगी का फिर से दलित परिवार के यहाँ जाकर भोजन करना निश्चित रूप से